ओम शांति। 9/7/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे व्यर्थ बातें न करनी है, न सुननी है और न किसी को सुनानी है। साथ साथ किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है सिवाय एक शिव बाबा के। फिर बाबा ने बच्चों को वार्निंग दी है, समय प्रति समय बाबा बच्चों को सावधान करते रहते हैं ताकि बच्चे सब व्यर्थ से मुक्त बन जाएं, शक्तिशाली बन जाएं, प्रेम स्वरूप बन जाएं, ज्ञान स्वरूप बन जाएं, शांत स्वरूप बन जाएं, बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाएं। तो शिक्षाएं भी देते हैं, सावधानी भी देते हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है और ना सुनानी है। क्वेश्चन है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं? आंसर है, बच्चे बाप के बने हों तो ईश्वरीय बचपन के दिन कभी भी भूलना नहीं। कोई भी विकर्म नहीं करना, बचपन को भूलना जाना और कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। गीत के बोल हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा। बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परम पिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सन्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी गुरु गोसाई आदि को देखते हो तो यह बचपन की बातें भूल जाती हैं। यहाँ जो सन्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है ना। हमको शिव बाबा ने अपनाया है फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नरक के मालिक बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वह इस तन में प्रवेश करते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वो हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सदगति दाता। मनुष्यों की ही सदगति करेंगे, जानवरों की तो बात ही नहीं। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है, बाबा जानते हैं। घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो, माया भुला देती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है, अभी है परलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं सिक्की लदे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने आए हो। पूछा भी जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है? तुम कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं,
फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो, दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की ये बातें भूलो मत। हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं, यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने। अभी नरक में हैं, तुम अब संगम पर हो। कितनी सहज बात है, बुढ़ियाएं भी धारण कर सकती हैं, ये भूलना नहीं है। परंतु बहुत हैं जो बाहर जाने से भूल जाते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं। पूछ लीजिए अपने आप से, जो बाबा कह रहे हैं सारा दिन भूले रहते हैं, हम उनमें से तो नहीं हैं। वह खुशी नहीं रहती, फिर कहते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। वास्तव में यह तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए। बाप को भूलने के कारण तुम घबराते हो, शिव बाबा को याद नहीं करते, उसका नुकसान क्या होता है, घबराहट होती है, हैरान होते हो, और तीसरा फिर विकर्म करते हैं। यह कोई गुरु आदि नहीं है, ये सत्य बाप बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा, वह भी बाबा है, यह भी बाबा है, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वर्षा कहाँ से मिलता है, शिव बाबा से। वह तो है ही नई दुनिया का रचयिता, तुम अभी ऐसे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो। तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई विकर्म नहीं करो, नए आएंगे तो कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करो मुझे भूलना नहीं, माया तुमको बार बार भुलाएगी, इसलिए बाप समझाते भी हैं, वार्निंग दी जाती हैं, मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो ये बचपन माया बार बार भुला देती है, बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतींद्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है, अब बाबा मुझे मिला है। बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि वह है ही सुखदाता, सभी मनुष्यों का वह लिबरेटर है। ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म भोग आए हो, लाखों जन्मों की बात ही नहीं, ये तो 84 जन्मों का चक्कर है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था, क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेविन था, फिर हेल कैसे बना ये कोई नहीं जानते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं। अगर रॉन्ग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूँ, फिर इन द्वारा और बच्चे एडॉप्ट करते हैं, उन्हों को शिक्षा दे, फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक के हो। तुम देखते हो हम बाप के सन्मुख बैठे हैं, हम बच्चे दादे के वर्षे के हकदार हैं। पावन जरूर बनना है, पावन बनने बिगर आत्मा उड़ नहीं सकते। यह तो गपोड़े मारते रहते हैं, फलाना निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, जाता एक भी नहीं है। जो भी एक्टर हैं सबको हाजिर यहाँ होना है, जब तक विनाश शुरू ना हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती रहती हैं परमधाम से सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए, जब वहाँ से अपना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है, तुम्हारी राजा स्थापन हो जाती है, वहाँ से भी आ जाते हैं। ये सब बातें बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं।
परंतु तुम भूल जाते हो। यहाँ से जाते थे तो रोकर जाते थे, वहाँ जाने से नरक वासियों का संग मिलता है। सब भूल जाते हैं, शुरू शुरू में जब मधुबन जाते थे हमारे बड़े दीदी और दादी जी, ओम जो शांति स्तंभ है उसका राउंड राउंड सब बैठने का है, वहाँ सब बैठते थे और दादी जी दीदी जी मिश्री बादाम इलायची देते थे और गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। सब भाई बहनों के इतने आँखों में आंसू आते थे, मधुबन से रो रो करके आते थे, दिल नहीं होता था वापस आने का, ऐसे लगता था स्वर्ग से नरक की ओर जा रहे हैं। तो बाबे कहते जब वहाँ से आते थे तो रो के जाते थे और फिर क्या होता था, हाँ ये सब बातें भूल जाते थे, वहाँ से भी सब आ जाते, ये सब बातें बहुत अच्छी रीति समझाते, तुम भूल जाते हो। कितने भूले तो फारकती दे दी, अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़े न्युच्छावर हो जाते थे, यहाँ से जाते थे तो रो कर जाते थे, वहाँ जाने से नरक वासियों का संग मिलता तो सब भूल जाते हैं। तो बाप मार्निंग देते हैं, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। तो तुम को एक तो शिव बाबा को याद करना है, कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है, निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकल ना सके। तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, अच्छे अच्छे कर्म और कोई सिखला ना सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्विस जा करके करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, बाबा फिर भी कहते हैं यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो याद रहता है, फिर बाहर जाने से झट भूल जाते हो। ऐसे भी हैं फिर आपस में झरमुई झंगमुई उल्टी सुलटी बातें सुनते सुनाते रहते हैं, ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब कर देते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानी आदि उल्टी सुलटी बातें सुनो नहीं। बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉड फादर, सभी मनुष्य मात्र का एक ही निराकार बाप है। तुम एक धर्म के हो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो, पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे, फिर इस्लामी लोग निकलते हैं, फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट, बोधियों की शक्ल देखो कैसी है, सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग हैं। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है, तुम पति से पावन बन रही हो, याद रखना। क्या बात याद रखनी है, याद रखना तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुस्तर है। सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शौक वाटिका में चले जाएंगे। बार बार बाबा समझाते हैं तुम्हारा धंधा ही यह है बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, वो बोर्ड लगा दो, बड़ी अच्छी लिखत हो, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते हैं डरते हैं, तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा, जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, मुसलमान कहते हैं वही की स्थापना करने वाला। अभी तुम उनके बच्चे बने हो तो ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया कितनी जबरदस्त है, तो बाबा कहते हैं इस बचपन को भूल मत जाना, बच्चे तो सब हैं, भल कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेगा सॉरी बाबा कहेंगे तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। तो बाबा समझाते हैं, आज क्या समझा रहे हैं बाबा बार बार, तुम फालतू बातें नहीं करना, तो मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर ऊंच पद पाओ ना,
लाडले बच्चे, मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा, फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भाषणा आती है जैसे समय बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुक तो होता है, तब वापस जाते हैं, वो सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं ज्ञान योग धारणा, सब्जेक्ट हैं इस पढ़ाई के चार, ज्ञान योग धारणा, चौथा है सर्विस। जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रारब्ध से इमार्टल सुख प्राप्त होता है, उसको ही देवताई सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी, ऐसी नहीं कि जब ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे, उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। तो मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें? इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के जमाने से निकल सुख के जमाने में आ गए हैं, वो दुख का जमाना अब लौट गया। पहले सुख के जमाने में थे, वो जमाना पूरा हुआ तो दुख के जमाने में आ गए। अब फिर से उस सुख की दुनिया में आ गए जहाँ 21 जन्म सुख में रहेंगे, फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब यह गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है। अब तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए, भले इसमें मायावी विघ्न भी खूब पड़ेंगे, तो भी जिन्हों को यह पूर्ण निश्चय है, पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उन्हों को गम की लैस भी नहीं आ सकती। अगर कहाँ लैस आती है तो समझना है कहाँ जरूर विस्मृति है। तो अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। यह यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला है। बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती। परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए, अब उस मार्ग पर चल ईश्वरीय प्रैक्टिकल में ईश्वरीय जीवन बनाना है, बस यही है सच्चा सुख। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं, जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि हैं तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं, परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा भी अनादि ये सारी दुनिया अवश्य मानती है। इसके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया, नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी हैं, परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, टुकड़ा है। तो आत्मा तो बिंदु है, वो टूटेगी फूटेगी कैसे? आत्मा परमात्मा का वंश है, वंश अर्थात वंशावली, संतान है उसकी, आत्मा परमात्मा का अंश नहीं। तो वो भी परमात्मा हो गया, इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब यह तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं परमात्मा पिता हैं और हम आत्माएं बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चे पैदा होते हैं। भल है दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पार्ट मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का, तो फिर उन्हों को ही लेना पड़ेगा। हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं क्योंकि आत्माओं ने यह सुख शांति का वर्षा खोया है, तो फिर से उन्हों को ही लेना पड़ेगा। जिन्होंने खोया है वही लेंगे हम। इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं।
बाकी परमात्मा तो खुद पिता हैं। वह स्वयं सुख शांति का सागर हैं, उसके पास फुल नॉलेज है, वो खुद ही दाता हैं। इस प्रकार से ही हम बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है, बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा ना होता तो देने वाला कौन होता? जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले हैं, तो दोनों का पार्ट अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का भल रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं, उन्हें रचने का पार्ट मिला हुआ है, आत्माएं उनकी क्रिएशन हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार हैं, संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं, आपस में कभी भी कोई वाहियात व्यर्थ उल्टी सुलटी बातें ना सुननी है ना सुनानी है, ज्ञान की ही बातें करनी है। पक्की धारणा कर लीजिए, दृढ़ता संकल्प में लाइए कि आज से बाबा कह रहे हैं। बाबा समय प्रति समय कहते रहते हैं, लेकिन हम बार बार दृढ़ता लाएं कि कभी भी किसी को ना तो मुझे उल्टी सुलटी व्यर्थ बातें सुनानी है ना सुननी है। बाबा, आज मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ करती हूँ कि ये व्यर्थ की बातें सुनकर किसी का माइंड अपसेट नहीं करेंगे, किसी का माथा बाबा ने आज कहा खराब नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट है, हरेक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मामा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है, बाप की याद से विकर्मों का बोझा उतारना है। वरदान, समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा सुखी रहते हैं, कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी। और जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते, वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। स्लोगन, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अमृत वेले की पॉइंट है, जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकत ना करे तो खाता बढ़ जाता है। जो उधार लिया इधर उधर किया ये, उसको चुकत ना करे तो बढ़ता जाएगा और कर्जदार हो जाते हैं, कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ, उनको चुकत कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ना रखो, नहीं तो वह मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। तो रोज अपना हिसाब किताब चुकतो कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर करेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब किताब चुक तो नहीं करते हो तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को चुक तो कैसे कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।